थाना कोतवाली जिला राजगढ़ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है जब पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरी भी उन्होंने कबूली है। 10 मोटरसाइकिल, धारदार हथियार, एक देशी कट्टा, जिंदा राउंड कारतूस सहित कुल 6 लाख रुपये का मरुस्का जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते थाना कोतवाली को सूचना मिली कि कुछ लोग खुजनेर रोड पर बंद पड़े जर्जर ढाबा के पीछे खंडन नुमा स्थान पर इकट्ठे होकर लूट और डकैती की योजना बना रहे हैं। वहीं पुलिस ने जाकर दबिश दी है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट। पिछले लॉकडाउन जब से अनलॉक हो रहा है, कुछ अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। कुछ चोरी की मोटरसाइकिलों की घटनाओं के संबंध में हमको जानकारी मिल रही थी। हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। कईयों को हम लोगों ने निगरानी फाइल खोली है, कईयों की गुप्ता फाइल खोली है। साथ ही कई जो पुराने अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी, कुछ जो लोग हैं, एक पेट्रोल पंप को डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इसके संबंध में तत्काल SDOP राजगढ़ और थाना प्रभारी राजगढ़ श्रीमती मंजू चौहान और श्री टी पी लोहिया, इनके द्वारा घेराबंदी करके 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया गया। इनके नाम है राम भरोसे, पिता राम प्रसाद तवर, करीब 24 साल, ये मान्यपुरा राजगढ़ के रहने वाले। हेमराज, पिता चैन सिंह तवर, 22 साल, ये भी मान्यपुरा के रहने वाले हैं। राम बाबू, पिता रतन राम रतन भील, 25 साल, ये भी मान्यपुरा के रहने वाले हैं। हरी सिंह भील, ये 50 साल, ये भी इन्हीं के साथ रहने वाले हैं। और रमेश तवर, 26 साल, ये झालावाड़ जिला के रहने वाले हैं, थाना काटोली। इन 5ों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से 2 चाकू, 1 तलवार, 1 देसी कट्टा 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस, रस्सी और अन्य सामान जो डकैती में यूज किया जाता है वो सब बरामद किया गया। इनके विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पिछले दिनों जो राजगढ़ क्षेत्र में ही कुछ मोटरसाइकिलों की चोरी हुई थी, जिसमें हमारे पत्रकार साथी की भी बुलेट मोटरसाइकिल थी, ये भी चोरी करना कबूला है। इनसे कुल 10 मोटरसाइकिल जो अलग अलग अपराधों में पंजीबद्ध हैं, जिसमें 4 मोटरसाइकिलों का भी हम वेराउंट से पता करने का प्रयास कर रहे हैं, और 2 मोबाइल जो एक कंपनी है, बाइक कंपनी है, वहाँ से चोरी हुए थे, वो 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। इस तरह से टोटल 10 मोबाइल, 10 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल। इनका भी एक गैंग का साथी और है, देवी सिंह तवर, ये भी मान्यपुरा का रहने वाला है, ये अभी फरार है। उसके ऊपर मृतक से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है। अभी इन सभी को पुलिस रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी। जिले के अन्य थानों में जहाँ पर भी इस तरह की चोरी की घटनाएं हुई हैं, और जोन के और झालावाड़ के जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर भी इनकी जानकारी भेजकर और बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल SP साहब, SDOP मैडम, थाना प्रभारी, इनके साथ साथ सब इंस्पेक्टर राहुल रायकवार, अजय यादव, धर्मवीर पलैया, नरेश मीणा, दिनेश महावर, दिनेश गुर्जर, दिनेश गिरार, धर्मेंद्र खींची, ललित तोमर, अनिल लखन मीना, नरेंद्र सैनी, अरुण तिवारी, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। इन सभी को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की जाती है। साथ में यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारे पत्रकार साथी थे जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी, साथ में उनका मोबाइल चोरी हुआ था, उन्होंने उसमें एक ट्रैकर इंस्टॉल कर रखा था, जिसकी वजह से हमें इनको पकड़ने में बहुत सहायता मिली है। इनके जो अन्य साथी हैं और इनकी जो मोटरसाइकिल हैं उनके संबंध में भी हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी। मैं उनका भी उनकी भी प्रशंसा करता हूं और मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह सजगता से अगर हम अपने सामान की स्वयं रक्षा करेंगे तो हम सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। सर, ये पकड़ाए गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज हैं? हाँ, इनके खिलाफ करीबन 4 मामले यहीं पर चोरी के दर्ज है, और भी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और जहाँ जहाँ पे भी इनके मामले दर्ज किए जाएंगे उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही CCTNS और ICJS जो अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स को पकड़ने के लिए, उसमें भी इनकी जानकारी सर्च कर इनके जो रिलेटेड ऑफेंसेज अगर स्टेट के बाहर के भी होंगे तो उसके संबंध में भी जानकारी बताई जाएगी। आराध्य साइनेज लेकर आए हैं सैनिटाइजर पैडल स्टैंड, जिसमें आप बिना पंप को छुए अपने हाथ कर सकते हैं सैनिटाइज। सैनिटाइजर पैडल स्टैंड खरीदने के लिए करें तुरंत संपर्क, मोबाइल नंबर 7610501111।